भीलवाड़ा में दो कॉन्स्टेबलों की हत्या के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। कुख्यात तस्कर राजू फौजी के दोस्त गैंगस्टर संदीप विष्णु सेठी ने अपने हथियार फौजी को दिए थे। साल 2016 में सेठी ने फौजी के पास बाड़मेर में फरारी भी काटी थी। इसी के बाद से फौजी और सेठी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। मंगलवार को हरियाणा गैंगस्टर सेठी को भीलवाड़ा पुलिस ने कोटड़ी कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। सामने आया कि दो कॉन्स्टेबलों की हत्या के बाद राजू फौजी ने सेठी के पास ही अपनी फरारी काटी थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गैंगस्टर सेठी ने राजू फौजी को रिवॉल्वर पिस्टल सहित कई हथियार दिए थे। सेठी ने यह बताया कि इसका उससे फौजी से कोई रुपये नहीं लिए। कॉन्स्टेबल की हत्या के बाद फौजी उसके पास हरियाणा में रुका था। उसने यह बताया कि फौजी और उसका संपर्क शराब तस्करी के समय से। अब पुलिस सेठी और फौजी को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करेगी और इस मामले में अभी कई खुलासे होने की संभावना है। गैंगस्टर सेठी ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है, करीब 6 साल पहले हत्या के एक मामले में सेठी ने फौजी के पास फरारी काटी थी और इसी दौरान फौजी ने उसे अपने गाँव डोली में रहने के लिए जगह और आर्थिक मदद भी पेश की थी। पुलिस अब इस मामले में गैंगस्टर सेठी और तस्कर राजू फौजी को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करेगी।